दोस्तों नमस्कार, यूनिक फार्मिंग इंडस्ट्री के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों एक ऐसे देसी बर्ड पालन पे आए हुए हैं भाई साहब, अभी यंगेस्ट हैं, 2 साल से लगभग देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं और पढ़ाई के साथ देसी मुर्गी पालन से एक अच्छी इनकम भी जनरेट कर रहे हैं और लगभग 2 साल से ये देसी मुर्गी के साथ बटेर भी पालन करते हैं और काफ़ी इनको बेहतर एक नॉलेज है, मार्केटिंग भी खुद करते हैं, अपने एरिया में भी बहुत लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं देसी मुर्गी पालन के बारे में और एक बेहतर जानकारी भी दे रहे हैं। तो आइए इनका इन्हीं के जमाने इनका कहानी सुनाते हैं आपको कि कैसे कोई मुर्गी पालन करना चाहे तो कैसे मतलब कर सकता है, क्या क्या समस्या आते हैं, क्या प्रॉफिट इनकम होगा, इससे पूरे विषय में बात करेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूनिक फार्मिंग आइडियाज में। आपका भी स्वागत है सर, धन्यवाद। आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को अपना नाम और इस जगह का पता बताइए। मेरा नाम मनीष पटेल है। ओके। मैं भवानीपुर में रहता हूँ, मेरा घर भवानीपुर में फार्म है। ओके। मेरे मैं फार्मिंग करता हूँ। ओके। भवानीपुर मेन लोकेशन क्या पड़ेगा इसका? भवानीपुर सीतपुर बनारस पड़ता है, बनारस से जिला। ओके। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आप देसी पोल्ट्री के साथ बटेर पालन भी कर रहे हैं। ओके। तो अभी बात कीजिए, देसी पोल्ट्री फार्मिंग में आप कब से हैं? 2 साल हो गए। 2 साल हो गया आपका एज अभी काफ़ी यंग अवस्था में, अभी एज आपका क्या होगा? हमारे एज अभी 23 साल है। 23 साल है और 2 साल से आप यानी 21 वर्ष से ही आप देसी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं। ओके। सक्सेसफुल एक फार्म भी चला रहे हैं। आप कितने मुर्गियों से स्टार्ट किया था? अभी आपके पास कितना मुर्गी है? हमने 500 से फार्मिंग स्टार्ट किया था। 500 मुर्गियों से आपने 2 साल पहले स्टार्ट किया था और अभी भी आपके पास? अभी तो इसमें और माल सेल हो गए हैं, इसमें 500 इसमें बचे हैं। 500 अभी बचे हैं। अभी आपने कितना डाला था इसमें? 1500 डाले। 1500 डाले थे। ओके। 1500 आप लॉट डाले हैं, अभी 500 सेल कर चुके हैं। 1000 सेल हो गया है। 1000 सेल हो चुका है, 500 बचा है। ओके। तो अभी आप तो फुल टाइम देसी पोल्ट्री फार्मिंग ही चला रहे हैं, इसके अलावा भी आपका पढ़ाई? इसके अलावा मेरा पढ़ाई चलता है। अभी अभी पढ़ाई आपका चल रहा है? हाँ, ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं। ग्रेजुएशन के साथ आप मुर्गी पालन भी कर रहे हैं, क्या बात है। तो थोड़ा सा बताना चाहे, आपने इस बच्चे को कब डाला था, चूजा आपने कब डाला था और कितना टाइम हो गया, इसका वेट अभी कितना हो चुका है? इस समय इसको हमें डाले हुए 2 महीना हो गया है, इसका वेट इसमें 500-600 ग्राम हो गया है। 2 महीने पहले आपने डाला था? हाँ। और ये 500-600 ग्राम हो चुका है। देसी फीड देते हैं इसीलिए ग्रोथ थोड़ा स्लो होता है, हालांकि हम अगर बाजार का फीड दे तो ग्रोथ और पहले ही हो जाए, लेकिन ग्रोथ पहले आ जाए। ओके। अपना देसी चारा देते हैं, आप दाना देसी अपने हाथ से बना के देते हैं? अपने हाथ से बना करके। तो हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, दाना आप अपने हाथ से कौन कौन सा मतलब मिक्सिंग करके बनाते हैं, क्या दाना होता है? मक्का और बाजरा और गेहूं जो होता है, गेहूं मिक्स करके उसको खिलाते हैं। अच्छा। और इसमें कुछ दवा के साथ दवा चलाते हैं। आपको दाने की नॉलेज हो चुका है? हाँ हाँ। उसका अपना दाना आप कब से खिला रहे हैं मुर्गियों को? ये दाना अपना खुद का दाना बनाकर हम 1 साल से बना खिला रहे हैं। 1 साल से आप खिला रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। बच्चे में केवल हम 15 दिन तक बच्चे को दाना देते हैं, उसके बाद फिर अपना दाना बना देते हैं। 15 दिन तक आप मार्केट का दाना देते हैं? ओके। जो इनका दाना आता है? हाँ। और उसके बाद से आपको दाना इनको देते हैं जो अपना बनाया हुआ दाना देते हैं? हाँ। ओके। आपका दाना का कॉस्टिंग क्या आ रहा है लगभग? कॉस्टिंग आ जाता है वही 20 से 22 रुपये आता है। 20 से 22 रुपये के जी के हिसाब से? ओके। और इसमें उस समय वैसे तो फीट का दाम लगभग लगभग 32 रुपया किलो है। ओके। हमारे लगभग लगभग ट्रायलर का ट्रायलर का रेट अभी 32 रुपया लगभग है। और बॉयलर का जो है 40 रुपया 40 रुपया है। तो आपका कॉस्ट 20 से 22 रुपया आ रहा है? 20 से 22 रुपया आ जाता है। तो आप इसको कितना टाइम तक होल्ड करते हैं अपने फार्म पे और कितना साइज में इसको सेल करते हैं? इसको अपने फार्म पे हम 3 महीने तक होल्ड करते हैं। 3 महीने तक होल्ड करते हैं, 3 महीने सेल करते हैं, उसके बाद सेल कर देते हैं। कुछ जो है कि 500-600 ग्राम माल निकाल देते हैं, उसके बाद जो बड़ा कुछ बड़ा साइज करके निकालते हैं, कुछ छोटा साइज निकालते हैं। छोटा साइज जो फेरी वाले हमारे लोकल के हैं, फेरी देते हैं छोटा साइज। ओके। और बड़ा साइज जो होता है कटिंग वाले देते हैं, कटिंग वाले को देते हैं। और कुछ जो बड़ी साइज की मुर्गी वाले जो मुर्गी हो जाती हैं तो वो अंडा के पर्पज से छोड़ देते हैं, अंडे के पर्पज से भी छोड़ते हैं। जैसे कि आपने इस लॉट में 1500 मुर्गी डाला था। ओके। तो इसमें से आपने 1000 पीस निकाल दिया है फेरी के लिए, सेल के लिए। कितना साइज करके आप उसको निकाल लेते हैं? इसको 500 ग्राम पे निकाल दिए, 1000 जो बचा है। ओके। इसको अब हम तैयार करके बेचेंगे, इसको तैयार करके बेचिएगा फुल साइज। फुल साइज तो ये थी, आप 500 ग्राम से सेल करना चालू कर देते हैं। ओके। उसके बाद से अगर इसका मार्केटिंग होता तो आप सेल कर देते हैं, नहीं तो अंडे के पर्पज से रख लेते हैं, क्योंकि अभी सर्दी आ रही है, कहीं ना कहीं कहा जाए तो अंडे का मार्केटिंग ठंडी में बहुत बढ़िया होता है। बढ़िया होता है। आपके तरफ क्या मार्केटिंग हो रहा है अभी अंडे का? अंडे का हमारी तरफ 12 रुपये चल रहा है। 12 रुपये चल रहा है अभी
तो अंडे से भी आप अच्छा इनकम कर सकते हैं और अपना दाना खिला करके आप अंडा भी निकाल लेते हैं। ओके, आपने बताया कि आप छोटा साइज में 500 ग्राम या 1 kg साइज में आप फेरी वाले को दे देते हैं, तो फेरी वाले का मार्केट अभी आपके तरफ है बढ़िया? हाँ, हमारी तरफ बढ़िया है। डेली यानी कि अगर दे तो सब डेली प्राइस सेट के बेच देंगे। डेली आपका बिक जाता है कितना? मुर्गी कितना बिक जाता है डेली का? 50 किलो बिक जाता है। 50 किलो डेली का आपका बिक जाता है, फेरी वाले आकर के लिए चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता? नहीं, कोई दिक्कत। अभी क्या रेट लगभग आपके फार्म से जा रहा है मुर्गी? जो मार्केट रेट है वही रेट, हमेशा इसका रेट तो हमेशा ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे होता रहता है। जो मार्केट रेट है वही रेट निकाल देते हैं। अच्छा, पर बर्ड कितना प्रॉफिट लेकर के फेरी वाले को देते हैं? हम पर बर्ड से 50 रुपया रख के निकाल देते हैं। 50 रुपये रख करके और फेरी वाले को निकाल देते हैं, तो एक अच्छी खासी इनकम भी आपको आ रहा है इसमें। अभी बात की जाए जो आपका ये फार्म है जिसमें अभी 1500 मुर्गी आपने डाला हुआ था, जिसमें से कुछ मुर्गी निकाल चुके हैं, कुछ मुर्गी है, इसकी एरिया अगर बात की जाए तो कितना एरिया इसका पड़ेगा? इसका एरिया मान लीजिए 1 हेयर पड़ेगा। 1 हेयर पड़ेगा। ओके, इसमें आप 1500 लोड डाल देते हैं और कुछ बर्ड शुरू में ही मान लीजिए कि 1500 स्क्वायर फीट में 1500 बर्ड हम तैयार कर सकते हैं। ओके, इसीलिए हम ज़्यादा बर्ड डालते हैं कि हम छोटा सा प्याव निकालते हैं, और जो क्योंकि एक बर्ड को तैयार बर्ड को 1 स्क्वायर फीट में 1 बर्ड रहता है। ओके, और हम इससे बेसी डालते हैं क्योंकि हम छोटा सा प्याव निकाल देते हैं जी, और एरिया थोड़ा सा कम हो जाता है, इसको बड़ा तैयार करते हैं। बड़ा का तैयार कर देते हैं, कम जगह में ज़्यादा तैयार करते हैं, कम जगह में ज़्यादा तैयार कर देते हैं। ओके, आपका हम देख रहे हैं कि अभी 500 प्लस ग्राम हो चुका है, काफ़ी हेल्दी आपका ब्रीड है सोनाली का, और काफ़ी चंचल। तो इसके आप दाना के अलावा भी कुछ इनको देते हैं? दाना के अलावा तो अपना कुछ फ्री रेंज में भी छोड़ते हैं। फ्री रेंज में भी छोड़ा जाता है? आपके फार्म के एरिया में जगह है? हाँ, जगह काफ़ी जगह। ओके, तो वहाँ पे भी छोड़ते हैं। टाइमिंग क्या होता है छोड़ने का, निकालने का बाहर? देखिए, ठंडी में हम लोग जो निकालते हैं, ठंड ज़्यादा पड़ता है तो 10 बजे बाद ही छोड़ते हैं। अभी का टाइमिंग क्या है लगभग निकालने का? अभी का टाइमिंग तो इसमें 9 बजे तक छोड़ते हैं। 9 बजे तक छोड़ते हैं? छोड़ते हैं, शाम को 3 बजे तक। आप अकेले ही पूरा फार्म मैनेज कर रहे हैं अभी? एक हेल्पर है। एक हेल्पर रखे हुए हैं और उसके साथ मिल करके आप मैनेज कर रहे हैं? देसी पोल्ट्री फार्मिंग में बीमारी का भी कोई डर होता है? हाँ, वो इस मौसम के अनुसार, अभी मौसम के अनुसार अभी कोई बीमारी, अगर वैक्सीन सही से कर दिया है तो कोई बीमारी नहीं है। वैक्सीन में अगर बात की जाए तो कौन कौन सा वैक्सीन इनको देना जरूरी होता है? वैक्सीन जो होता है तीन वैक्सीन चलता है सबका। पहला वैक्सीन जो 7 दिन पर होता है फोन चलता है। ओके, और 14 दिन पे गैम्ब्रो, और 21 दिन पर लसरा चलता है। ये तीनों वैक्सीन मतलब आवश्यक होता है? हाँ, इसके बाद वैक्सीन देना, वैक्सीन अगर कर दिया जाता है तो जल्दी बीमारी बड़े जल्दी बीमार नहीं होते, जल्दी बीमार नहीं होता है। अभी रिसेंटली कोई फार्म पे आपका बीमारी उमारी कुछ नहीं आने का कोई? नहीं, ऐसे तो कोई नहीं। हम फार्म पे आपकी मुर्गियों को मोर्टिलिटी भी होता है कुछ ऐसा? छोटे बच्चे में थोड़ा बहुत 1-2 मोर्टिलिटी होता है, उसके बाद तो जो बड़े छोटे बच्चे में देसी बर्ड है तो देसी बर्ड में बीमारी बहुत कम आता है। ओके ओके ओके, उसको जैसे कि बताना चाहें ये लगभग 1000 एरिया का इनका स्क्वायर फीट जो है मुर्गियों का रहने के लिए जगह है, और इसमें इन्होंने लगभग 1500 मुर्गी डाल करके, और इनका स्ट्रेटेजी कमाल का है। ये पढ़ाई के साथ अभी देसी मुर्गी पोल्ट्री फार्मिंग चला रहे हैं और कमाल का स्ट्रेटेजी के साथ चला रहे हैं, इससे इनका बढ़िया प्रॉफिट बनता है। ये जब 500 ग्राम की मुर्गियां हो जाती है तब से ये निकालना चालू कर देते हैं, और जितना मुर्गी निकल जाए झाँप वाले से उतना निकाल करके जो मुर्गी होता है उसको होल्ड कर लेते हैं अंडे के पर्पज़ से। और अंडे का रेट भी इनके तरफ अच्छा है, जो कि मार्केट में 10 से 12 रुपये इजली बिक जाता है, और ठंडियों में तो काफ़ी आउट मतलब ऊपर तक जाता है, उसका मार्केटिंग बहुत बिजोड़ होता है। तो इससे एक बढ़िया प्रॉफिट भी ये जनरेट कर रहे हैं। थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताना चाहें कि देसी पोल्ट्री फार्मिंग अगर कोई करना चाहे तो कितना मुर्गी से करे तो बेटर रहेगा, और देसी मुर्गी पालन अगर करते हैं तो इसमें वास्तव में इनकम कर सकता है कि नहीं? काफ़ी लोग आपको जैसे बता रहे हैं कि इनकम है, काफ़ी लोग भी बताते हैं इनकम है, कुछ लोग कहते हैं कि देसी पोल्ट्री फार्मिंग में इनकम बढ़िया नहीं है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कैसा बिजनेस है? बढ़िया बिजनेस है, बढ़िया बिजनेस है। कितने मुर्गियों से लोग को स्टार्ट करना चाहिए? ठीक है, शुरू शुरू में पहले करना चाहिए तो कम से कम ही करना चाहिए कि हालांकि जानकारी अच्छा हो जाए, जानकारी होने के बाद ही बढ़ाए उसको। शुरू शुरू में फिर भी कितना मुर्गी से स्टार्ट करें तो बेटर रहेगा? कम से कम मान लीजिए 400-500 से स्टार्ट करें। 400-500 तक, 400 अगर 500 मुर्गी से मान लीजिए मिनिमम, अगर कोई 500 मुर्गी से स्टार्ट करना चाहे तो उनको लागत कॉस्ट क्या आ जाएगा, कितना खर्चा लगेगा उनको स्टार्ट करने में? ऐसे मान लीजिए कि उनको 70-80 हज़ार रुपये खर्चा लगेगा। 70-80 हज़ार रुपये लगेगा फार्म बनवा करके? नहीं नहीं नहीं, केवल फीड और दवा, फीड वैक्सीन और चिक्स को लेकर के। ओके, फार्म अपना वो अपने क्षमता के अनुसार जैसा भी बनवा सकते हैं, और उतने लागत में तैयार करके क्या प्रॉफिट वो बना सकते हैं 70-80 हज़ार लागत में? 70-80 हज़ार रुपये लगाएंगे तो कम से कम मान लीजिए कम से कम एक मतलब कि 1.5 लाख रुपये तक उनका निकल जाएगा। 1.5 लाख रुपये निकल जाएगा मार्केटिंग करने के अनुसार? जैसा मार्केट अपने लोकल में सेल करेंगे तो और अच्छा प्रॉफिट होगा, और अच्छा प्रॉफिट डायरेक्ट होलसेल में उठवाएंगे तो कुछ
उस समय उठवाएंगे तो मार्केट से 10 रुपए डाउन। ओके, उस हिसाब से आपका भी बढ़िया इनकम। एक हम लोग क्या लोकल में सेल करते हैं, लोकल में सेल करते हैं तो आपका बढ़िया एक इनकम जनरेट होता है। लगभग अपने एरिया में जो 15 से 20 किलोमीटर के रेंज में जितने भी हैं, लगभग 200, 500, 600 जो भी फार्मिंग करते हैं करवा रहे हैं इस समय, और अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, कर भी रहे हैं। अच्छा अच्छा, आपको मतलब अपने बढ़ाना भी चाहते हैं जी। हाँ, आप अपने एरिया में और भी लोगों को उजागर कर रहे हैं। हाँ, कर चुके हैं। आपसे जुड़ करके हमारे अंडर में 10 से 15 फार्मर हैं इस समय। ओके, आपसे जुड़ करके भी बढ़िया लोग बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, प्रॉफिट है उसको बढ़ाना और चाहते हैं जी, उसको बड़े पैमाने में करना चाहते हैं जी। तो आपसे जुड़ करके कर रहे हैं, बढ़िया। आप उनको सप्लाई भी देते हैं? सप्लाई देते हैं। क्या बात, बढ़िया। दोस्तों, बहुत ही लो कॉस्ट में बनाया हुआ ये फार्म है, और भाई जो है ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं, अभी 23 साल एज है, 2 साल से देसी पोल्ट्री फार्मिंग भी अच्छा खासा चला रहे हैं। तो कोई काम अच्छा या बुरा, मतलब बुरा तो होता ही नहीं, जो काम आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहें उस हिसाब से होता है। आप देसी पोल्ट्री फार्मिंग करके भी कम लागत में भी एक बढ़िया इनकम कर सकते हैं। आपको हम फार्म दिखा दें तो बैक साइड में देख रहे हैं, बेहद ही शानदार एक छोटा सा फार्म है, कम लागत में इन्होंने तैयार किया हुआ है, जिसमें अभी ये सोनाली बर्ड रखे हुए हैं। और हम सोनाली बर्ड का इसलिए अभी वीडियो जैसे कि ज़्यादातर बना रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मैं मार्केट में देख रहा हूँ कि ज़्यादातर सोनाली बर्ड का ही मांग है। आपको अच्छा खासा रेट में ये सोनाली बर्ड, जस्ट लाइक लोग मान रहे हैं कि देसी, इनका स्वाद देसी की तरह होता है। तो अंडे के पर्पज से अगर पालन करना चाहें, चाहे मीट के पर्पज से पालन करना चाहें, उसमें आपका डिमांड बढ़िया होता है देसी, इसके अलावा बाद ही किसी और मुर्गी का डिमांड है। तो ये बढ़िया रहेगा, अगर कोई पालन भी करना चाहे तो 500 मुर्गे से स्टार्ट कीजिए और अच्छा खासा एक इनकम भी ले सकते हैं। जैसा कि भाई ने बताया, आपके तरफ जिस चीज़ का मार्केट हो उसी हिसाब से कीजिए। अगर अंडे के पर्पज़ से मार्केट है तो अंडे के व्यू से कीजिए, और मीट के पर्पज़ से है तो मीट के पर्पज़ से कीजिए। और प्रॉफिट जितना आप लोकल मार्केट पकड़िएगा उतना आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बनेगा। तो आप स्टार्टिंग 500 से ही कीजिए, ज़्यादा लगा करके अपना पूंजी फंसाने से कोई, जैसे आपका नॉलेज बढ़े उससे आप फार्म बढ़ा सकते हैं। और ये जो वीडियो है हम रात में शूट कर रहे हैं आपके जानकारी के लिए, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ना भूलें। धन्यवाद।